ये हमारा जो है ना, मैं सन 65 से सन 62 वाली जगह में भी रहा हूँ, सन 65 वाली में भी, और सन 71 मेरी लाशें पिस गई थी कश्मीर में। और ये तो क्या बताएं हम, मैं अभी शेबंजी नान का रिटायर हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े देख के। मैंने ये सौभाग्य बताएंगे हमारे श्री बाप ने धनों पुत्रों के लिए, उन जवानों के लिए, हमारे भारत के जवानों के लिए, जो अपनी आत्मा को हंसते हंसते बलिदान कर देते हैं। बीते दिनों नागालैंड में हुई हिंसा में शहीद हुए उत्तराखंड के गौतम लाल का पार्थिव शरीर आज मंगलवार को उनके पैतृक गांव नौली पहुंच गया। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गांव वाले उन्हें संभालते नजर आए, वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान शहीद गौतम अमर रहे और भारत माँ की जय के नारे लगते रहे। क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौली के नौशिला चौक निवासी सेना के जवान गौतम लाल के नागालैंड में शहीद होने की खबर से क्षेत्र में मौसम पसरा हुआ है। माता पिता भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद गौतम सेना की पैरा स्पेशल फोर्स की 21वीं बटालियन में पैरा टूपर थे। वह नागालैंड में शहीद हो गए। गौतम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी 3 बहनें हैं। उसकी शहादत की खबर सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर है। परिवार के साथ ही गौतम के दोस्त भी उसकी शहादत से गमगीन हैं। इसके बारे में जो पार्थिव शरीर आया, ये हमारा जो है ना, मैं सन 65 से सन 62 वाली जगह में भी रहा हूँ, सन 65 वाली में भी, और सन 71 में भी लाशें पिस गई थी कश्मीर में। और ये तो क्या बताएं हम, मैं अभी शेबंजी नान का रिटायर हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े देख के। क्यों धन्य हो इनको, जो मैंने आरएन, जिनकी बॉडी आरएन देश के पर थी, उस समय बहुत लाशें बिछी सन 71 में हमारी, शेबंद गढ़वाल, टेंथ गढ़वाल हमारी आगे पीछे छम सेक्टर तमाम वाला ने, और पाकिस्तान की लड़ाई में बहुत लाशें बिछी हैं। लेकिन ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं, सौभाग्य है हमारा, जो ये देश के खातिर बने। हमारा उत्तराखंड ने, आप देखेंगे उत्तराखंड का कितना बड़ा रिकॉर्ड है, बीसी अंग्रेजों के जमाने में हमारे गवर सिंह, बलराम सिंह, चंद्र सिंह गढ़वाली बीसी हैं, विक्टोरिया करार सबसे बड़ा इनाम अंग्रेजों का दिया हुआ। और अभी हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारी सभी अफसर भी आए हुए हैं, हमारे कमांडिंग साहब भी आए हुए हैं, बॉडी के साथ सभी है, और ये हमारा मन, ये सौभाग्य बताएंगे हमारे श्री बाप ने धनों पुत्रों के लिए, उन जवानों के लिए, हमारे भारत के जवानों के लिए, जो अपनी आत्मा को हंसते हंसते बलिदान कर देते हैं। मैं भी सन 71 का जख्म ही हूँ, और 65 की जगह भी रहा हूँ, 62 की भी वो भी रहा हूँ, तो नूरा नांग जसवंतगढ़ में जाऊँ। हमारा ताऊ जी, एक चीज़ ये है कि लेकिन हमें हमारे जो जो गौतम लाल का पार्थिव शरीर पहुँचा है, तो हमें तो गर्व हो, किस तरह से बहुत गर्व है, हमें उस मात्र गर्व है किस माने उसको जन्म दिया। आपका नाम? मेरा नाम जनार्दन प्रसाद रणकोटी, सेवंत गढ़वाल रेफर का रिटायर्ड हूँ मैं, 79 का रिटायर्ड हूँ मैं। और भारत माँ की रक्षा के लिए
इस उत्तराखंड के नौजवान ने हमेशा प्रथम पंक्ति में आकर इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और ये जो गौतम का जो ये बलिदान देश के प्रति है, ये पूरा देश याद रखेगा। और मैं भगवान से ऐसे प्रार्थना करूँ, ऐसे दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और इस दुख की घटना में, दुख की वेला में इनके परिवारों को सहन करने की शक्ति दे। और व्यक्तिगत तौर पर जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत इस आहत हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से जानता था। मैंने कल उनके भाई से भी बात की और ये बड़ा एक ऐसा दुखद क्षण कि मेरी विधानसभा के नौजवान एक विधायक जी कौन कौन आ रहे हैं इस मास में? क्या है कि अभी सारे आदमी ऑफिस से आए, हमारे सभी कल्याण मंत्री भी आए थे। तो ये थे हमारे साथ और आज सब जो है आर्मी के जो सम्मान के साथ विधायक जी, जैसे कि आपसे भी आप जैसे कि खुद प्रोटोकॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी बड़ा आपके आंखों में नमन देखी गई और आपने कहा कि बालक जो था क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। देखिए मैंने आपसे कहा ये एक ऐसा क्षण है, मातृभूमि के लिए नौजवान शहीद हुआ है। और जिस तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल तौर पर था और मुझे याद है कि जब ये बालक भर्ती हुआ था, मेरे संवाद हुआ था, मेरे मित्र के माध्यम से मेरा संवाद हुआ था। और इसने कहा भाई साहब मैं भर्ती हूँ, तो दो तीन लड़के थे उनसे दो ये भर्ती हुए। तो इसलिए खेद क्या है कि मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता था। आप देखिए मैं उस बालक को जब मैंने सुना तो बिल्कुल मैं एक अपने आप को रोक नहीं पाया। और ये इस नौजवान के साथ पूरा देश याद रखेगा। और मैं एक बार भगवान से सीख रहा था, मेरे सिद्धि की आत्मा अपने चरणों में।